तो आज की क्लास में हम जो है जो जो 2 ईयर्स चाइल्ड के लिए हम ए लाइन फ्रॉक जो बनाएंगे, तो उससे पहले जैसा कि हमने लास्ट क्लास में हमने जो है बेसिक ब्लॉक जो है 2 ईयर्स चाइल्ड का जो बेसिक ब्लॉक है उसको फ्रंट एंड बैक साइड का जो बेसिक ब्लॉक था उसको हमने बनाना सीखा था। और आज की क्लास में हम जो स्लीव का जो बेसिक ब्लॉक है उसको जो है सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे जो मेजरमेंट है उनको लेंगे। तो हम यहाँ पे स्लीव जो है उसका जो लेंथ है वो हम ले रहे हैं 15 सेंटीमीटर, एंड जो विड्थ है वो हम स्लीव की विड्थ कैसे निकालेंगे उसके लिए हमारा जो बस्ट एरिया होता है, जो कि हमारा हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो 2 ईयर चाइल्ड का जो बस्ट एरिया है वो 55 सेंटीमीटर है, उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। देन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 55 को 2 से डिवाइड करने पे आएगा 27.5 सेंटीमीटर, एंड देन उसमें से 5 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो फाइनली हमारी जो स्लीव की विड्थ है वो निकल के आ जाएगी। और वो हमारी स्लीव की जो विड्थ है वो हमारी होगी 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो है मार्क करूंगी विड्थ को, तो यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ। ये हमारी विड्थ हो गई, और अब मैं 15 सेंटीमीटर इसकी जो लेंथ है हमारी स्लीव के ब्लॉक की उसको मार्क कर रही हूँ। बनाना स्टार्ट करूंगी तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको सेंटर से हमें फोल्ड करना है, और हमारी जो ड्राफ्टिंग है वो जो है हमारे ब्राउन पेपर की जो रफ साइड है उस साइड में हमें ड्राफ्टिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। अब मैंने इसको फोल्ड कर लिया है सेंटर में से, और इधर जो ओपन एजेस हैं उस साइड में मैं क्या करूँगी उधर से जो है सबसे पहले मैं मार्क करूँगी, जो मार्किंग करूँगी मैं इसमें इधर सबसे फर्स्ट हमें ए, इधर बी, सी एंड डी, ठीक है। अब मुझे निकालनी है हमारी जो स्लीव होती है, तो हमारे जो आर्म होल है उसकी जो डेप्थ है वो हमें निकालनी है। तो डेप्थ के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो बेसिक ब्लॉक था बॉडीज़ का जो बेसिक ब्लॉक था जिसमें हमने जो लेंथ जो थी हमारे बेसिक ब्लॉक की वो कितनी थी 23 सेंटीमीटर थी, जिसको हमें क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से जो है 23 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे तो 4 तो 5.75 आएगा, और उसमें हमें एक्स्ट्रा 1 सेंटीमीटर क्या करना है ऐड करना है, तो हमारा जो स्लीव की जो डेप्थ है वो कितनी आ जाएगी 6.75 हमें जो है स्लीव की डेप्थ लेनी है, जो हमारा आर्म होल एरिया होता है उसकी हमें 6.75 डेप्थ लेनी है, ठीक है। तो मैं मार्क करती हूँ बी पॉइंट से इसकी डेप्थ, तो ये मेरा हो गया 6.5, एंड 6.5 एंड 7 के बीच में मैं मार्क करूँगी 6.75, और इसको मैं पॉइंट दूंगी
ई, और अब मुझे ए से ई को डायगनली क्या करना है, इसको स्केल की हेल्प से ए और ई पॉइंट को एक दूसरे से मिलाना है। मैंने इसको मिला दिया है और ए एंड ई का सेंटर पॉइंट जो है उसको मार्क करेंगे और ये आएगा 6.6 और इसको मैं मार्क करूंगी जी। और अब मैं ए एंड जी का सेंटर पॉइंट मार्क करूंगी तो ये आएगा मेरा 3.3। और इसको मैं लिखूंगी एच। और अब मैं मार्क करूंगी जी एंड ई का सेंटर पॉइंट तो ये भी मेरा आएगा 3.3 और इसको लिखूंगी मैं आई। अब मैं जी से एक 1 सेंटीमीटर अपसाइड में एक पॉइंट मार्क करूंगी और इसको मार्क करना है एफ एन एच से 0.5 सेंटीमीटर अप साइड में एक पॉइंट मार्क करना है इसको लिखेंगे जे एंड आई से 0.5 सेंटीमीटर नीचे मार्क करना है के। और अब क्या करना है डी से सी की तरफ 1.5 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट मार्क करना है इसको लिखेंगे एल एंड ई और एल को डायगनली मिला देना है। एंड एल से एम 0.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क करना है एम और सी को एम से कर्व के साथ स्लाइटली कर्व के साथ उसको हमें मिलाना है। और अब हमें ए से एफ से होते हुए
ई तक एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, देन सेकेंड कर्व लाइन हमें ड्रॉ करनी है ए टू जे, देन फिर जी और फिर हमें जाना है के पे और फाइनली हमें इसे ई से मैच कर देना है। ठीक है, अब मैं इसको कट करने जा रही हूँ, तो सबसे पहले मैं काटूंगी ई से एफ एंड ए तक। और इसे सी से एम तक स्लाइटी कर्व के साथ और एम से एक अब हमें इसे ओपन करना है और मैं इसे कट करूंगी ई से, जो सेकंड कर्व लाइन ड्रॉ करी थी वहां से होते हुए ई से के पे जाऊंगी, देन जी और फिर जे से होते हुए एक। ये हमारा स्लीव का बेसिक ब्लॉक बनकर तैयार हो गया है। ये मेरा फ्रंट है स्लीव का एंड ये है बैक।